हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का ये जो लेक्चर है वो है जनरल हिंदी पेपर के बारे में है, क्योंकि बिहार जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन में जनरल हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 30 मार्क्स मिनिमम पाना होता है। यद्यपि यह मार्क्स जो है मेंस मेरिट मेन की मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 100 में 30 मार्क्स जनरल हिंदी में नहीं पाते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेंस में करते हो, अन्य पेपरों में, लॉ के पेपर में, जनरल स्टडीज के पेपर में और जनरल साइंस के पेपर में, लेकिन आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके हिंदी में या आपके जनरल इंग्लिश में 100 में आपके 30 मार्क्स भी नहीं आए हैं। तो ऐसे में जनरल हिंदी के पेपर को आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम इसको डेली 20 मिनट 25 मिनट आप इसको टाइम देंगे अगर, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप इसमें मिनिमम 30 मार्क्स भी पा सकते हैं और आप जो है मेंस की कॉपी के लिए सिक्योर हो सकते हैं। तो आपको इसको डेली आपको 10-20 मिनट अगर आप डेली देंगे तो वास्तव में आपका जनरल हिंदी और 20 मिनट देंगे आपका जनरल इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जनरल हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे उत्तर देना है आपको, इसके बारे में इस लेक्चर में आपको हम बताएँगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों से ये कहेंगे कि जो लोग हमारे जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने चैनल को देखा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो वास्तव में मुझे इस बात का एहसास होता है कि मुझे आपके लिए और भी अच्छे लेक्चर्स अपलोड करने हैं और ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहले ये बता दें कि बिहार जुडिशरी के मेंस के पेपर में हिंदी पेपर से 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और 100 मार्क्स में आपको मिनिमम 30 पास करना है। ठीक है, और ये मेंस में जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए कितने आते हैं क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो होता है वो निबंध का होता है, एसे का होता है, और इसमें करीब 6 से 8 टॉपिक दिए रहते हैं। 6 से 8 टॉपिकों में आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपको उसमें 40 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 40 नंबर का वो होता है। तो अब प्रश्न है कि पहले क्वेश्चन में 40 मार्क्स का निबंध का पेपर आता है तो उसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, तो इसके बारे में इतना कहेंगे कि जैसे आप कोई पेपर, आपको जो भी उन टॉपिक में निबंध सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के पीछे आपको क्या करना है कि आपको ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपका इंटरेस्ट हो, जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और आप उसको सेलेक्ट करिए और उसको लिखिए। और ध्यान दीजिए कि 500 वर्ड, हालांकि शब्द सीमा नहीं दी गई, वर्ड्स लिमिट नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको 540 नंबर का अगर है तो आपको 500 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए, यानी 500 से ज़्यादा लिखेंगे अगर आप तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन छूटेंगे भी, और इसमें केवल क्वालिफाइंग करना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 मार्क्स का आपको पाना है तो आपको एटलीस्ट अगर 50 मार्क्स है तो सफिशियंट है। तो पहले निबंध के पेपर में आपको पहले क्वेश्चन में निबंध होगा, उसमें आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसको अच्छे से करना है 400 से 500 शब्दों में, और ये 40 मार्क्स का होगा। दूसरा होता है, दूसरा क्वेश्चन होगा वाक में परिवर्तन। मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसमें आपको क्या रहेंगे, ये 10 मार्क्स का ये भी रहेगा। ठीक है, और इसमें करीब 8 वाक्य दिए रहेंगे और उन वाक्यों को, उनमें कम से कम उसमें 5 वाक्यों को आपको परिवर्तन करना होगा। अगर वो सामान्य वाक्य हैं तो उनको निषेधात्मक वाक्य बनाना होगा, या प्रश्नवाचक वाक्य बनाया होगा, या किसी मिश्र वाक्य में दिया गया है तो, अगर मिश्रित वाक्य में दिया गया है तो
तो उसको आपको सामान्य वाक्य में बनाने का आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आएगा, इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि राम लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है, तो इसका आपको सिंपल था कि इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो आप इसको कर भी ले जाएंगे कि क्या राम लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है। तो इसी तरीके से आपको एक वाक्य जो दिया जाएगा उसमें आपको इसको जैसा बताया गया उसके फॉर्मेट में आपको परिवर्तन करना होगा। तो ये 10 नंबर को होता है। अब तीसरा प्रश्न आपका है जो आता है वो एक एक शब्द लिखना होता है, यानी कि 8 8 वाक्य दिए रहेंगे उसमें एक एक शब्द लिखना होगा। जैसे जैसे मान लीजिए दे दिया गया है और ये 10 नंबर का नहीं, समझ लीजिए कि तीसरा वाक्य जो होता है वो 5 नंबर का होता है। अब जैसे मान लीजिए आ गया कि जिसके कोई शत्रु ना पैदा हो, इसको एक अक्षर में लिखेंगे आप एक वाक्य में, तो आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर है अजात शत्रु, ठीक है। इसी तरीके से 8 वाक्य रहेंगे, आप उनमें से 5 को एक वाक्य में परिवर्तित करना है और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगला जो चौथा क्वेश्चन होगा वो वाक्यांश में शुद्धि के लिए होगा और ये 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी कि 8 8 वाक्य दिए जाएंगे और उसमें 5 वाक्य आपको सेलेक्ट करना है और उस 5 वाक्य के लिए आपको शुद्ध करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया गया कि यहाँ गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है, अब इसमें करेक्ट करना है कि क्या दे, तो यहाँ पे गाय का शुद्ध देसी नहीं, शुद्ध यहाँ पे दिया है, अगर मान लीजिए दिया है कि यहाँ पर आपको ये वाक्य दिया जाए इस तरीके से कि यहाँ पर शुद्ध गाय का देसी घी मिलता है, इसको आप करेक्ट करिए तो आपका आंसर क्या होगा, क्या गाय शुद्ध है कि गाय का शुद्ध घी मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा कि यहाँ पे गाय का शुद्ध घी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 8 वाक्य मिलेंगे, आप उसको 5 में आपको सही वाक्य शुद्ध करना है तो इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। पांचवा जो क्वेश्चन आता है वो होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का, तो आपको मुहावरे दिए जाएंगे, ठीक है, करीब 10 मुहावरे होंगे, उसमें आपको 5 सेलेक्ट करने होंगे, 8 या 10 मुहावरे मिलेंगे उसमें आपको 5 सेलेक्ट होंगे, ये मुहावरे भी हो सकते हैं या लोकोक्तियाँ हो सकते हैं और उनको आपको अर्थ लिखना होगा और उसका वाक्य प्रयोग में करना होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लिया गया कि आग बबूला होना, अब आग बबूला होना एक सामान्य मुहावरा है जिसका सामान्य अर्थ होता है कि अत्यधिक क्रोध में होना, ठीक है, उसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे ईद का चांद होना, इसका मतलब दिखाई ना पड़ना, तो इन वाक्यों का सरल आपको अर्थ लिखना है, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ऐसा करेंगे आप तो आपको ये 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं और आपको केवल 5 करना होता है, 10 10 लोकोक्त मुहावरे होंगे उसमें 10 का 5 करना होता है और उसको 10 मार्क्स, यानी एक मुहावरे 2 नंबर के होते हैं, तो आप इसको भी 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय का होता है, ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय में कैसे तैयार करना है कि आपको इसमें उपसर्ग प्रत्यय के लिए आपको बुक से उसमें निकालना है और कुछ उपसर्ग प्रत्यय को याद करना है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद ये भी 10 नंबर का होता है। सातवां क्वेश्चन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वह होता है चाहे वो संधि पर आ सकता है या समास पर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, या सर्वनाम हो सकता है, तो बेसिकली इसमें आपको सर्वनाम के बारे में पूछ देता है, संज्ञा के बारे में पूछ देता है, ठीक है, ये 10 नंबर का होता है। तो उसको जैसे पूछ दिया कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उसमें 5 संज्ञा के उदाहरण बताइए, ठीक है, ये आ गया कि सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप सर्वनाम के उदाहरण बताइए। तो ऐसे सामान्य सेंटेंस होते हैं उसको आपको लिखना होता है, इसमें कोई परेशान नहीं होना है। और जो 8वां प्रश्न होता है वो भी 10 मार्क्स का होता है, और 10 मार्क्स का होता है उसमें या तो आपको संधि पूछ देता है या समास पूछ देता है, ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रश्न में 1 करना होता है। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 क्वेश्चन में टोटल 100 मार्क्स का होता है। पहला क्वेश्चन निबंध का होता है जो 40 मार्क्स का होता है, दूसरा नंबर वाक में परिवर्तन होता है जो भी 10 मार्क्स का होता है, और तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है एक एक शब्द के लिए,
चौथा क्वेश्चन जो होता है वो वाक्यांश में शुद्धि के लिए होती है, इन करेक्ट होता है उसको सही करते हैं। और जो है पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो लोकोक्ति मुहावरे पर होता है, ये 10 मार्क्स का होता है। और छठा उपसर्ग या प्रत्यय पर होता है, ये भी 10 मार्क्स का होता है। उसका सातवां जो होता है वो संधि पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर पूछता है या कार्य पर पूछता है, ये 10 मार्क्स का होता है। और जो आठवां क्वेश्चन होता है वो संधि या समास पर होता है या किसी टॉपिक को दे सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर आप सावधानी से तैयारी करेंगे तो आपका 100 में 50 मार्क्स आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपको 50 मार्क्स पाना चाहिए। अगर आप उसको एक मिनिमम मार्क्स तो 30 होता है, लेकिन आप 40-50 नंबर अगर पाते हैं तो आप इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी मेंस की कॉपी चेक हो और आप अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हों। ठीक है, अगर इसमें लापरवाही करेंगे हिंदी के पेपर में तो आपका हो सकता है कि आपका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर होने के बाद भी आपकी कॉपी ना चेक हो, और कॉपी ना चेक होने के नाते आपके जो है वो मेंस की मेहनत का क्या है वो बेकार हो जाए। ठीक है, इसलिए सामान्य हिंदी के पेपर को गंभीरता से लीजिए और उसमें जो है वो इन बताए गए तरीके से आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे यह क्वेश्चन होना चाहिए कि हमको सामान्य हिंदी का पेपर कहाँ से तैयार करना है, कौन सी बुक होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको ले लीजिए। वो है पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है सामान्य हिंदी पर, नालंदा प्रकाशन की। आप उसको लीजिए और उसमें से सारे इन टॉपिकों को सिलेक्ट करके और आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आप फिर आप जो है उसको पढ़ डालिए और उसमें आप क्वालिफाई करिए और आपकी मेंस की कॉपी भी चेक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सामान्य हिंदी की तैयारी की जा सकती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो सामान्य इंग्लिश पे यानी जनरल इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि जनरल इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, आप उसको से उसको भी तैयार करिएगा। इस लेक्चर को देखिए और उसका उसको पालन करिए, और अपने आपने इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर इसमें अपलोड करूं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू।